Hello everyone, this is Mevsik here. Today is 3rd April and I'm going to record the third video of today. It will be uploaded till tomorrow morning. Okay guys, फिर से इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल के बारे में तो पता ही है, इस तरह की ढेर सारी वीडियो आती रहती हैं. तो अगर आप इस चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो ना हो आपको ये बेनिफिट दे जाएगा कभी ना कभी. अप्लाई ऑनलाइन बीई बीटेक सैलरी 40 to 55. इस सैलरी पर ध्यान ना दो, उससे पहले कंपनी को कैसे फोरा जाए उस पर ध्यान देना चाहिए हमें. रिक्रूटमेंट ओके, सबसे पहले जॉब डिटेल आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. रिक्रूटमेंट पोस्ट नेम ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर. क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक. सैलरी ट्रेनिंग इंजीनियर 30,000 to 40,000, प्रोजेक्ट इंजीनियर 40 to 55,000. ट्रेनिंग इंजीनियर्स 28 ईयर्स मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 20 ईयर्स, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. प्रोजेक्ट इंजीनियर मैक्सिमम 32 ईयर्स, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. टोटल वैकेंसी आपका 63 पोस्ट पे है. और अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड से करना है. तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बीटेक बीएससी 4 ईयर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस. प्रोजेक्ट के लिए 4 ईयर कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल. एज तो मैंने बता ही दिया आपको. सैलरी पे स्केल नो डिस्कस अबाउट सैलरी. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो एसएलसी मार्कशीट वैलिड डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए और कुछ नहीं. फाइनल डिग्री प्रोविजन सर्टिफिकेट सॉरी फाइनल डिग्री जो लास्ट है आपको वो प्रूफ ऑफ नॉर्म्स ऑफ सीजीपीए. ओके गाइस ओके फ्रेंड्स नॉट गाइस डॉक्यूमेंट्स फॉर परसेंटेज क्लास इशूड ओके एवरीथिंग सीजीपीए जो भी है वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए उसको है ना. कास्ट ट्राइब इकोनॉमिक स्टेटस सर्टिफिकेट ऑब्वियसली किस कास्ट से है. पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर आप कभी जॉब किए हैं तो सर्टिफिकेट ऑफर किया जाता है. कैसा काम किया, जैसे स्कूल से पास आउट होते हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उस तरह का ये मिलता है. तो आपको इशू करना पड़ेगा तो कि आप काम कर रहे हैं. तो कैंडिडेट इम्प्लॉयड ऑन परमानेंट फिक्स्ड टर्म बेसिस इन गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये समझ नहीं पता. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. हाँ, अगर आप पहले किसी में एम्प्लॉयड थे तो आपको एनओसी लाना पड़ता है, क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. अगर आपको बिहेवियर अच्छा नहीं है तो इस तरह का रहता है कुछ सीन, तो आप देख लेना यार. अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ भारत, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. ये सब झंझट से हटा के मैं डायरेक्ट लिंक बताने जा रहा हूँ. तो आप जैसे ही नीचे आओगे ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है. आप जैसे ही पढ़ लेना इसको अगर आप इस पर आ रहे हो तो, ठीक है. अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्लिक हियर टू अप्लाई. फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली. अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. पे द एप्लीकेशन फी देन सबमिट इट. ओके. सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा. एग्रीगेट मार्क्स 25% सुपर होनी चाहिए. 2.5 मार्क्स फॉर मिनिमम स्टिपुलेटेड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एडिशनल इतना मार्क्स फॉर 6 मंथ. वैसे इसे मुझे नहीं पता. इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 15%. ओके गाइस, जो हमारा मैन है, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आप बस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना. अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए. आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो सब तो क्वालिफिकेशन देख ही लिया था आपने, प्री रिक्वेस्ट साइट देख लिया था कितना चाहिए ग्रेजुएशन में. अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए. मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर पे क्लिक करूंगा. ओके, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो या यू हैव सेलेक्टेड फॉर पोस्ट इंजीनियर, ऑफ कोर्स आई हैव सेलेक्टेड इट. तो आप यहाँ जाएगा, फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं पहले तो आप फ्रेश कैंडिडेट पे क्लिक कीजिएगा. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स विल बी न्यू हियर, सो आपको फ्रेश कैंडिडेट पे क्लिक करना है, कैंडिडेट पे क्लिक करना. ओके, जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बस अपना सब सबमिट करना है. ये तो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम ऑफ सर्टिफिकेट सॉरी, और एवरीथिंग आप इसमें डाल के सबमिट कर देना. सबमिट करने के बाद फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है. लॉगिन करने के बाद आप फिर अपना सब डॉक्यूमेंट डालोगे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करके सबमिट कर देना, फिर इंतजार करना है. ओके सॉरी यार,
और एप्लीकेशन फीस आपका कितना है मैं जरा बता देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फीस है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 150 प्लस 18% GST, और 18% GST मतलब 150 है ना, तो 100 में से 18 और 9 8 17 27 रुपये आपका GST लगेगा। 18 चौके कितना होता है, 72 होता है, 18 4 72, तो इसमें इतना आपका टोटल हो जाएगा 472 और 177 आई थिंक। तो आपका इतना पेमेंट लगेगा, कुछ खास नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल करें। अगर आपके पास कोई है दोस्त तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यार मैं अगली वीडियो तो ये नहीं बोल सकता कि अगली वीडियो, पर हाँ कुछ वीडियो के बाद मैं फाइनेंशियल हेल्प आपको करने जा रहा हूँ जो मेरे व्यूअर्स